जहां पर हर कोई ये बात जानता है कि रिया चक्रवर्ती का रिलेशन सुशांत सिंह राजपूत के साथ था। सुशांत और रिया दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन इसी के साथ रिया चक्रवर्ती का नाम जुड़ता है महेश भट्ट के भी साथ, जहां पर महेश भट्ट की गर्लफ्रेंड के तौर पर रिया चक्रवर्ती का नाम लिया जाता है। लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आई, ये खबर है रिया चक्रवर्ती को लेकर और उस र्यूमर्ड अफेयर को लेकर जब हर्षवर्धन कपूर के साथ रिया चक्रवर्ती को स्पॉट किया गया। जी हाँ, हर्षवर्धन कपूर और रिया चक्रवर्ती को बांद्रा पर हॉट स्पॉट किया गया, जहां पर हर्षवर्धन और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे के साथ थे। इस बीच जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों अच्छे से गले मिलकर एक दूसरे को विदा करने लगे। इस बीच दोनों की कई सारी तस्वीरें वायरल हुई, खबरें तो ये तक फैल गई इन तस्वीरों के बाद कि भाई रिया चक्रवर्ती और हर्षवर्धन कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों डेट नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और दोनों ही एक दूसरे के साथ नजर आए। जब ये खबरें वायरल हुई तो वायरल होने के बाद दोनों ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वो आखिर बांद्रा हॉटस्पॉट पर क्या कर रहे थे, जिसके बाद रिया और हर्षवर्धन कपूर ने अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया कि हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरीके की खबरें वायरल होने लगी। तो ये था कनेक्शन हर्षवर्धन कपूर के साथ रिया चक्रवर्ती का, जहां पर रिया चक्रवर्ती हर्षवर्धन कपूर एक दूसरे के काफ़ी अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स हैं। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के क्लोज है, ठीक वैसे ही वो हर्षवर्धन के भी क्लोज है, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर एक बात अपने दोस्त हर्षवर्धन के साथ शेयर करती है। नेक्स्ट नाइन लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।